हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मेलबर्न स्टार और सिडनी थंडर के बीच में होने वाले बीबीएल के सातवें मैच का। तो बीबीएल का जो सातवां मैच है, ये आपको पता है कि अभी तक जो छह मैचेज हुए हैं, शुरुआत के एक दो मैचेज जो है वो बिल्कुल सीधा सा मैचेज हो रहे थे, लेकिन बाकी के अभी जो दो तीन मैचेज हुए हैं वो बहुत ही जो है बेहतरीन तरीके से हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है सभी लोग जो है इसमें प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो अभी तक आप जो है प्रॉफिट नहीं उठाए हो तो जुड़ जाना। और अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन कौन से नए प्लेयर जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े होकर आप चाहते हो बीबीएल में सीरियसली जो है प्रॉफिट उठाना, और साथ में अगर आप एलपीएल में भी जो है प्रॉफिट उठाना चाहते हो, तो आप जो है इस नंबर पर जुड़ सकते हो। ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, साथ में आप कॉल पर वीडियो सर्च करके जो है मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर, और ये चीज़ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, तो इसका बात करते हैं, तो ये जो होगा सेवन्थ मैच होगा और ये होगा फ्राइडे को, यानी कि 10 दिसंबर को। टाइमिंग जो होगा होगा 1:45 इंडियन स्टेट टाइमिंग के हिसाब से पीएम, और ये खेला जाएगा आपको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर आपको देखने मिलेगा कि किस तरह का जो है पिचेज है, तो ये जो है एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड पिचेज है। अगर पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बॉल जो है जैसे जैसे धीरे धीरे पुराना होता जाता है, यहाँ पे बैटिंग करना जो है वो डिफिकल्ट होता जाता है। लेकिन अभी तक का जो सीनरी देखोगे, तो ज़्यादातर मैचेज जो है वो चेस करके जीते गए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेज हो या फिर जो है आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो है वो डोमेस्टिक मैचेस खेलते हुए जो है नज़र आए हैं। लेकिन ज़्यादातर यही रहा है कि वो चेस करके खेले गए हैं। लेकिन पिछला एडिशन जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि पिछले एडिशन और उसके पिछले एडिशन में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पे लास्ट 10 मैचेज जो इस ग्राउंड पे हुए, उन 10 मैचेज में सिर्फ 2 मैचेज जो है चेस हुआ, 8 जो है डिफेंड हो गया। तो ये जो है ग्राउंड इस तरह का जो है कैपेबल हो गया है कि एक तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे अभी जो है ठंड का मौसम है, जो ग्राउंड धीरे 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 क्या होता जाता है, स्लो होते जाता है, बहुत जल्दी ही जो है वो स्लो होते जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में खासकर ये चीज़ आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि शुरुआत में जो है बैटिंग करना थोड़ा सा आसान रहता है, शुरुआत में जो है एक अच्छा सा जो है बैटिंग होता है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है ग्राउंड जो है फिर से स्लो होते हुए जो चला जाता है। हाईएस्ट रन ऐसा नहीं कि इस ग्राउंड पर नहीं बनता है, हाईएस्ट रन आप देखोगे तो स्टार ने बताया है बनाया है और बनाया है 219 रन। इसके अलावा आप देखोगे लोएस्ट बनाया है, लोएस्ट स्ट्राइकर ने बनाया है और बनाया 68 रन। और इस ग्राउंड की अगर हम डाटा की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि 50 मैचों में 22 जो है वो फर्स्ट बैट जीता है और 27 जो है वो आपको देखने मिलेगा सेकंड बैट जीता है। सेकंड बैट हाउएवर आप देखोगे कि ज़्यादा मैचेज जीता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पिछले जो 10 मैचेज हुए थे वो बिल्कुल ही जो है वो सारी चीज़ें जो है पलट के रख दिया, सिर्फ 2 मैचेज जो है वो चेस हुए और 8 जो है वो डिफेंड हो गया। और एवरेज बैट भी आप देखोगे तो जो है आपको यहाँ देखने मिलेगा कि 158 जो है एवरेज बैट है फर्स्ट बैट का, ये डोमेस्टिक में है। अगर यहीं आप T20 इंटरनेशनल में देखोगे, तो T20 इंटरनेशनल में आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो एवरेज बैट है वो है 140। तो इस तरह से जो है ग्राउंड रहता है जहाँ पे ज़्यादा रन जो हो नहीं बन पाते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न के, तो आप देखोगे कि 150 से नीचे जो है 21 स्कोर बने हैं, 150 से 70 के बीच में जो है 12 स्कोर है, 170 से 90 के बीच में जो है 13 स्कोर है, और 190 से ऊपर जो है आप देखने मिलेगा कि यहाँ पे 4 स्कोर जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं, तो टेम्परेचर जो है 20 डिग्री के आसपास रहने वाला है, बारिश चांसेस जो है 20% के आसपास, यानी मैच आपको पूरा जो है देखने को मिलेगा। और टॉस की बात करते हैं, ज़्यादातर चांसेज है कि यहाँ पे जो है मेलबर्न स्टार जो है वो टॉस जीतेगा, और टॉस जीते जो है पहले वो बैटिंग करना जो है पसंद करेंगे। टीम न्यूज़ की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगा सिडनी थंडर में जो है आपको क्रिस ग्रीन जो है ये लीड करेंगे, और इसके अलावा जो है आपको जो लेनहन हर्न है ये जो है रिप्लेस करें वेली डेव को, हालांकि ये प्लेइंग 11 में रहने के चांसेस इनके कम हैं, लेकिन ये जो है आपको स्क्वाड में रहते हुए जो नजर आएंगे। और यही मेलबर्न स्टार की तरफ से बात करते हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल जो है लीड करेंगे इसके अलावा जो आपको मार्कस अस्टोनी और जो क्लाइंट हिंटक्लिफ है, ये लास्ट मैच में आपको पता है कि प्लेइंग 11 में नहीं थे, तो ये जो है प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। इसके अलावा स्टार जो है वो आंद्रे रसल को जो है वो प्लेइंग 11 में जो है साइन कर चुका है अपने स्क्वाड में, तो ये भी जो है प्लेइंग 11 में जो है वो आने के चांसेस इनके फुल है कि ये भी जो है प्लेइंग 11 में रह सकते हैं। तो अगले मैच में आप देखोगे कि मार्कस अस्टोनिस और आंद्रे रसल का जो है वो आना तो तय है, और साथ में आप जो है क्लाइंट हिंटक्लिफ जो है इनको भी जो है प्लेइंग 11 में देख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्लेइंग 11 में, तो आपको अगर सिडनी थंडर की तरफ से मैं बात करता हूँ, तो सिडनी थंडर की तरफ से आपको जो है एलेक्स वेल्स, इसके अलावा सैम वाइटमैन, मैथ्यू गिब्स, इसके अलावा सैम बिलिंग्स, इसके अलावा आपको एलेक्स वेल्स, डेनियल सैम, बेन कटिंग, क्रिस ग्रीन, इसके अलावा है नेथन मैकेंड्रू, इसके अलावा गुरिंदर संधू और तनवीर सांघा जो है आपको देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको किसको किसको की प्लेयर में लेके चलना है, तो आप की प्लेयर में जो है एलेक्स वेल्स को ले सकते हो, इसके अलावा सैम बेलिंग्स, एलेक्स रोज को पिक कर सकते हो, डेनियल सम को, इसके अलावा जो आपको नेथन मैकेंड्रू, तनवीर सांगा, गुरिंदर संधू को जो है पिक करके चल सकते हो, ये जो है आपको एक अच्छा सा पॉइंट दे देंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर हम बात करते हैं स्टार की तरफ से आपको जो है ग्लेन मैक्सवेल, क्लाइंट हिल जो हिल्टन कार्ट राइट है इनको ले सकते हो, जॉ क्लार्क, नेथन कुंटरनाइल, इसके अलावा जो है क्लाइंट हिंटक्लिफ, निक नार्किन, इसके अलावा टॉम ओकोनल, इसके अलावा सैम रैनबर्ड, आंद्रे रसल, मार्कस स्टोनिस और एडम जंपा जो है आपको प्लेइंग 11 में रहते हुए नजर आएंगे
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे की प्लेयर आप किसको लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे की प्लेयर में जो है आप मैक्सवेल को ले सकते हो, उसके अलावा जो है आप यहाँ पे जो है रसल या जो स्टोनिस चंपा को जो है पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा जो क्लाइंट हिंकले पे अगर रहते हैं तो अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो आप नेथन कुंटन नाइल जो है अगर ये भी प्लेइंग में रहते हैं तो आप इनको जो है पिक करके चल सकते हो, क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग में जो है एक अच्छा सा जो है वो चीज़ें दे देंगे। इसके अलावा निक लार्किन भी जो है इनको भी जो है पिक करके चल सकते हो। अब बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस का दोनों टीमों का। तो आप रिसेंट परफॉर्मेंस में देखोगे सिडनी थंडर जो है रिसेंट 5 मैचों में से जो है वो 3 जो है वो जीता है, 2 जो है वो हारा है। और यही हम मेलबर्न स्टार की बात करते हैं तो रिसेंट 5 मैचों में से 4 मैच जो हार चुके हैं और 1 जो है वो सिर्फ जीता है। इसके अलावा हम हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों टीमों में। तब हेड टू हेड में देखोगे दोनों टीमें जो है अभी तक 15 मैचों जो है खेल चुकी है, 54 154 नहीं है, 15 मैचों जो है खेल चुकी है, जिनमें से 7 जो है थंडर जीता है और 8 जो आप देखोगे यहाँ पे स्टार जीता है। और इसके अलावा हम ड्रीम 11 की अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना और साथ में देख लेते हैं आप इनका एवरेज स्कोर कैसे रहा है। तो अगर एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो थंडर जो है एवरेज स्कोर 157 को बनाता है स्टार के खिलाफ, वहीं स्टार जो है 149 को बनाता है। फर्स्ट बैट करते हुए दोनों टीमें 3 3 मैचेस अभी तक जीती है और सेकंड बैट करके जहां थंडर 4 मैचेस जीता है वहीं स्टार जो है 5 मैचेस जीता है। और विनिंग चांसेस की अगर बात करते हैं तो अभी तक जो आप देखोगे 46 47% मैचेज जो है थंडर जीता है और 53% मैचेज जो है आप देखने मिलेगा कि स्टार जीता है। तो दोनों टीमें जो है वो ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों टीमें जो है कुछ ज़्यादा जो है डिफरेंसेज है। दोनों टीमें जब देखोगे एक मैच एक्स्ट्रा जो है वो स्टार जीता है तो उसको जो है बायलेंस सिम कहेंगे कि दोनों टीमें जो है एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बायलेंस रहती है। तो यहाँ भी आपको जो है इसी तरह का मैच जो है आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि एक हाई कम्पिटेटिव मैच जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े तो ये जो है आपको व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, साथ में आप टेलीग्राम पर जो है सर्च करके जुड़ सकते हो। और इसके अलावा जो है आपको ये डिटेल्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से जुड़ सकते हो। अब चलो एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 टीम के कैसे जो है आपको बनाना है। बात करते हैं ड्रीम 11 टीम का। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे देखना है कि अगर विकेट की डिपार्टमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो सबसे अच्छे ऑप्शन है वो आपको देखने मिलेंगे सैम बिलिंग, तो इनको जो है पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा एम माइक जो कि लास्ट में एम गिल्स जो हैं जो कि लास्ट मैच में जो है खेल रहे थे, लेकिन सैम बिलिंग को जो है मैं यहाँ पे अभी प्रीफर करूँगा। इसके अलावा बैटिंग की बात करते हैं तो आप एलेक्स वेल को जो है पिक करके चल सकते हो, उस्मान ख्वाजा नहीं है और स्टोनिस के आने के पूरा चांसेस है। इसके अलावा एलेक्स रोज को जैसे मैंने बताया पिक करके चल सकते हो। और इसके अलावा ऑलराउंडर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर जो है डैनियल सैम को पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा जो है आपको कार्टराइट को पिक करना है पिक कर सकते हो। मैक्सवेल और आंद्रे रसल जो है ये भी प्लेइंग में रहने के फुल चांसेस है, आप इनको जो है पिक करके चल सकते हो। उसके अलावा आगे हम देखते हैं बॉलिंग में, तो बॉलिंग में जो है अगर नथन क्विंटल लाइन लास्ट मैच में थे नहीं तो अगर इसमें रहते हैं तब पिक करके चल सकते हो और चांसेस है इसमें कि जो है प्लेइंग में आ सकते हैं, अगर नहीं रहेंगे तो आप हटा देना। इसके अलावा मैक एंड्रू जो है इनको हम लोग पिक कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे जंपा को पिक करके चल सकते हो, या फिर आप इसके अलावा हम लोग एक प्लेयर देख लेते हैं तो ऑलराउंडर में देख लेंगे या फिर जो हम बैटिंग डिपार्टमेंट में देख लेते हैं तो कोई भी जो है इस प्लेयर के लायक जो है आपको देने मिलेगा कि यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो यहाँ से जो आपको कुछ प्लेयर हटाने पड़ेंगे। मैंने एलेक्स वेल्स को जो है अभी के लिए हटा दिया है और यहाँ पर जो है मैं बैटिंग डिपार्टमेंट में जो है हम लोग निक नार्किन को जो है पिक करके चल रहे हैं। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ऑलराउंडर में देखते हैं कोई 8 वाला जो है या नहीं, तो यहाँ पे 8 वाला में जो है आपको बॉलिंग में जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइडोन है या टी कोनल है इनको पिक करके चल सकते हो या फिर ट्रेमन है इनको पिक करके चल सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं टी ओ कोनल को जो है पिक करके चलता हूँ, तो ये जो है ज़्यादा अनबैलेंस टीम में थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं और किसको पिक करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे जो तो है नेथन कुंडल लाइट को अभी के लिए हटा सकते हो कि लास्ट मैच में भी प्लेइंग 11 नहीं थे, तो रहेंगे तो हम लोग जरूर पिक करेंगे, लेकिन अगर नहीं रहते हैं तो हम यहाँ पे छोड़ के चल सकते हैं। और इनकी जगह जो हम लोग यहाँ पे जो है गुरिंदर संधू जो है इनको पिक कर लेते हैं। और इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जो है हम लोग यहाँ पे आप जो क्लाइंट हिंकलिफ है इनको पिक करके चल सकते हो या फिर अभी के लिए जो है वो छोड़ सकते हो चाहो तो। और या इसके अलावा जो आप बैटिंग डिपार्टमेंट में देख सकते हो कि यहाँ पे वेबस्टर है इनको पिक कर सकते हो या फिर एस व्हाइटमैन है इनको पिक करके चल सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रीफर कर रहा हूँ अभी एस व्हाइटमैन को। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अगर आपको जो है आपको पता है कि अगर कुछ अच्छी टीमें बनानी है तो आपको जो ये 3 प्लेयर है ऑलराउंडर में रसल मैक्सवेल या डैनियल सैम, इनमें से जो है आपको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा तभी जो है आप कुछ अच्छे प्लेयर जो है पिक कर सकते हो। जैसे रसल का पॉइंट आप देखोगे कोई भी मैच नहीं खेले लेकिन 10.5 जो है आपको क्रेडिट देना पड़ रहा है, तो ये चीज़ें जो है आपको बैलेंस करना पड़ेगा। या तो मैक्सवेल या फिर रसल को जो है आप सर्वाइव करके कोई भी टीमें जो है बना सकते हो। इसके अलावा हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो यहाँ पे कैप्टन जो है मैं आपको स्टोनिस को जो है बना के चल रहा हूँ और वाइस कैप्टन जो है मैं डैनियल सैम को बना के चल रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीम प्रीव्यू। इसके अलावा जो आपको और भी टीमें चाहते हैं मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।